हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फलों का चुनावी दंगल। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, उसका आपको आंसर देना है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि भारत कैसा देश है, बताइए कैसा देश है। विकासशील, विकास किया करता है ना भारत, हमारा देश है ना, तो विकासशील देश है इस देश की। अब देखिए, बताइए दूसरा क्वेश्चन कि इस देश की शासन प्रणाली कैसी है। लोकतंत्र है ना, कि जन लोकतंत्र मतलब लोक यानी जनता और तंत्र यानी शासन, जनता का शासन है इस देश की प्रणाली में, है ना। अब बताइए लोकतंत्र प्रणाली से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं लोकतंत्र प्रणाली से, कि जो जिसमें जनता का शासन होता है ना, ये जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता के लिए चुना जाता है, इसलिए इसको लोकतांत्रिक कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन आपको बताना है, लोकतंत्र प्रणाली में किसे चुना जाता है और कौन उन्हें चुनता है। तो लोकतंत्र प्रणाली में बताइए है ना, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो अपनी सरकार का निर्माण करते हैं, है ना। सरकार को कौन बनाता है, जनता ही बनाती है। अब एक और है, लास्ट क्वेश्चन, चुनाव में भागीदार सभी प्रत्याशी स्वयं को चुने जाने के लिए किससे प्रार्थना करते हैं, है ना। जो भागीदार होते हैं जिसको चुन के लाना है वो किससे प्रार्थना करते हैं, जनता से। हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमें चुनिए, हमें वोट दीजिए, है ना। तो अब देखिए, आपको खोलना है आपकी जो किताब है वो, है ना। तो इसमें आपको चैप्टर नंबर 9 मतलब कि 35 नंबर का पेज निकालना है। तो इसमें भी कुछ प्रश्न दिए हैं, वो आपको उसके आंसर बताना है। अब बताइए, आपको फल ज्यादा पसंद है या मिठाई, आप लोग अपने से बताएंगे। कुछ लोगों को फल पसंद होंगे और कुछ लोगों को मिठाइयां, है ना। बाद में आपको, अगर जिसको मिठाई पसंद है उसको क्या करना है, कोई भी मिठाई जो पसंद है उसकी विधि लिखकर भेजना है। आज होमवर्क में क्या रहेगा आपको, एक तो सबसे पहले तो आपको मीनिंग लिखना रहेगा, है ना। जीवन परिचय तो है नहीं इसमें, और फलों का हमारे फल किस लिए हमारे लिए लाभदायक होते हैं, है ना, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। और तीसरा कि जिसको अगर मिठाई पसंद होगी तो उसको मिठाई की, कोई भी जो मिठाई बनाते हैं उसकी, मतलब जैसे हमने गुलाब जामुन बनाया तो उसकी विधि लिख के भेजना है। और जिसको फल पसंद है तो क्यों पसंद है और फलों से हमें क्या लाभ है, ये लिखना आपको होमवर्क में। उसके बाद देखिए, हमें फल क्यों खाने चाहिए, क्या किस लिए खाने चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, है ना। अब किन्हीं 5 पसंदीदा फलों के नाम, जैसे कि केला, सेब, पपीता, अनार, संतरा, है ना। तो ये सब जो फल खाने से हमें क्या लाभ होते हैं, ये आपको बताना है। जो जिसको फल पसंद है, जिसको मिठाई पसंद है, तो उसको मिठाई की जो विधि है वो लिख के भेजना है, है ना। तो आज हम जो है इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये है चुनावी मंच सजा है, ये देखिए चुनावी मंच सजा है, माइक लगा हुआ है, मंच पर 8 कुर्सियां लगी हुई है, मंच के सामने भारी संख्या में जनता बैठी है, है ना। और सामने से मंच संचालक का मुस्कुराते हुए प्रवेश। संचालक क्या होता है, चलाने वाला, परिचालक, है ना, जो मंच का संचालन करता है, ये सबसे बीच में है, जो माइक में बोलता है ना, अभिवादन करता है सबका। तो मंच संचालक सबका अभिवादन करते हुए माइक संभालता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आम है, ये और कुछ बना है, अनानास वगैरह, सेब बना है, केला बना है ना, ये लीची है, संतरा है, अंगूर है, और ये क्या है, कुछ बना है आपका, ये सब है। ये इनको फलों के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए, संचालक, जो संचालक है, मंच संचालन करने वाला, वो क्या बोल रहा है, सभी उपस्थित सज्जनों और देवियों को मेरा नमस्कार प्रणाम, है ना। यानी कि नमस्कार अपने बराबर वालों को उसने बोल दिया और अपने से बड़ों को प्रणाम कर दिया। अब बोलता है वो आगे कि आजकल चुनाव का मौसम है, है ना, है कि नहीं, चारों तरफ इसकी ही गूंज सुनाई दे रही है, हर उम्मीदवार अपना प्रचार कर रहा है। आज इस चुनावी मंच से विभिन्न फलों के प्रत्याशी, प्रत्याशी यानी क्या होता है, उम्मीदवार या प्रतियोगी, प्रत्याशी यानी क्या होता है, उम्मीदवार या प्रतियोगी, ना, उम्मीदवार या प्रतियोगी, उम्मीदवार या प्रतियोगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जनता उनसे प्रश्न भी पूछती है, पूछ सकती है। आपसे मेरा आग्रह है कि उनको पूरी तरह सुनने के बाद ही आप अपना कीमती मत दीजिए, यानी कि मत देते हैं कि नहीं, अपन वोट डालते हैं ना, वही। तो आइए चुनावी दंगल आरंभ करते हैं, है ना, चुनावी लड़ाई, दंगल मतलब कि कुश्ती।
कुश्ती लड़ते हैं कि नहीं, वैसे ही हम आज कौन सी कुश्ती लड़ने जा रहे हैं, चुनावी, ठीक है। और सबसे पहले बुलाते हैं अखिल भारतीय अमरुद संघ, जो अमरुद संघ है उसके अध्यक्ष अमृतानंद जी महाराज को, इनको नाम दे दिया गया है अमृतानंद महाराज। जनता तालियां बजाती है, अमरुनानंद हरे वस्त्र धारण किए हुए हैं, है ना, और सबका अभिवादन करते हैं, उनके समर्थक नारा लगाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है, अमरुदानंद क्या बोल रहे हैं, ये आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अमरुदानंद आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि सारे विपक्षी दलों से मेरा पक्ष सबसे मजबूत है, मैं हिंदुस्तान में हर जगह पाया जाता हूँ, मैं बहुत ही सस्ता हूँ, इसलिए हर गरीब आदमी की पहुंच में हूँ, यानी कि जाम, है ना, अमृत का मतलब है जाम, वो सभी किसी के यहाँ भी पेड़ हो सकता है तो सभी लोग उसको खा लेते हैं, इसलिए वो अपने आप को क्या बोल रहा है कि मैं गरीब आदमी की पहुंच में हूँ, यानी इसको खा लेते हैं। अगर एप्पल खाना हो, बनाना भी थोड़ा सस्ता मिलता है, लेकिन एप्पल खाना हो, अनार खाना हो, तो वो क्या होता है, बहुत महंगे बिकते हैं, इसलिए गरीब लोग उसे नहीं खा सकते, लेकिन जो अमरूद है वो हर कोई खा सकता है, क्योंकि उनके घर पेड़ भी होता है उसका, है ना, तो वैसे ही उसको यहाँ पर संबोधित किया गया है। तो आगे वो क्या बोलते हैं, देखिए, मैं गरीबों का फल भी कहा जाता हूँ, मुझ में बहुत सारे विटामिन और पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व मतलब शरीर को सबल और मजबूत बनाने वाले तत्व, है ना, साथ ही मैं अनेक रोगों का इलाज भी करता हूँ, मुझ में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होते हैं, क्या क्या होता है, ये सब विशेषताएं आपको अंडरलाइन करना है, पोषक तत्व कहलाते हैं। फिर आगे क्या बोला है, जाम में अमरूद में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, ये सब होते हैं। मुझ में संतरे से 4 गुना विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी अमरूद में भी पाया जाता है और संतरे से 4 गुना, है ना। अब देखिए, मैं पाचन तंत्र को ठीक रखता हूँ, है ना, बवासीर में लाभ पहुंचाता हूँ, है ना, पाइल्स जिसको बोलते हैं, मैं दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखता हूँ, मैं पागलपन और दिमाग की गर्मी को भी दूर करता हूँ, पेट की सफाई करता हूँ, कब्ज का तो मैं रामबाण हूँ, इलाज हूँ, यानी रामबाण की तरह मैं क्या हूँ, इलाज हूँ, एक अच्छा सर्दिया इलाज हूँ, इस प्रकार से इसने कहा अमृतानंद, मतलब की अमृत ने कहा। आगे देखिए, जनता क्या बोलती है, महाराज आप समाज में खांसी फैलाते हैं, तब जनता ने क्या कहा कि अमरूद खाने से क्या होती, खांसी होती है, तब अमृतानंद ने क्या बोला, ये इल्जाम सरासर गलत है, इल्जाम यानी कि तुम मुझ पर जो दोषारोपण कर रहे हो वो क्या है, सरासर मतलब नितांत बिल्कुल गलत है कि मैं सर्दी फैलाता हूँ। कई लोग जैसे कि जाम वगैरह नहीं खाते, है ना, सोचते हैं कि जाम खाने से सर्दी हो जाएगी, परंतु उसको अमरूद जो है वो बता रहे हैं हम सभी को कि ये सब इल्जाम आप मुझ पर गलत लगा रहे हैं, क्योंकि मैं जो हूँ कभी किसी की सर्दी नहीं फैलाता हूँ, है ना। आगे देखिए वो क्या बोलता है, अगर आप गलत ढंग और गलत समय पर खाएंगे तो खांसी तो होगी, अगर तुम तो गलत ढंग से खाओगे तो क्या होगी, खांसी होगी, मुझे रात में नहीं खाना चाहिए, आप मुझे दोपहर से पहले खाइए और खाने से पहले मुझे अच्छी तरह धोइए, और एक बार मुझे छिलके सहित खाना चाहिए, जनता से आग्रह है कि इस बार के चुनाव में मुझे विजयी बनाकर सेवा का अवसर दे, जय हिंद जय भारत। इस प्रकार अमृतानंद ने अपनी जो अपनी वाणी को समाप्त कर दिया वहां पर। फिर क्या हुआ, ऐसे इसी प्रकार से जो चुनाव में जो भाग लेते हैं उन्हीं लोग भी हमको इस सब प्रकार से संबोधित करते हैं ना, तो अपने बारे में अपनी विशेषताएं बताते हैं ताकि लोग मुझे वोट दें, तो यहाँ पर भी भलों के माध्यम से चुनाव हो रहा है। अब देखिए संचालक ने क्या कहा, मैं अब मंच पर आम महाशय को बुलाना चाहता हूँ, इन्हें फलों का राजा कहा जाता है, लेकिन भारत में अब प्रजातंत्र है इसलिए ये भी चुनाव में उतरे हैं, आइए अब आम मंजरी दल के अध्यक्ष आम की बातें सुनते हैं, ठीक है। तो अब कौन बता रहा है, आम बता रहा है अपनी कहानी, है ना। अब देखिए आम क्या बोलता है, मंजरी यानी होता है कोमल, कोपल या लता, यानी जो सबसे ऊपर का कोमल पत्ते होते हैं उसको बोला गया। जनता तालियां बजाती है, महाराज आम गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, सबका अभिवादन करते हैं, उनके समर्थक नारा लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है, आम क्या बोल रहा है, देखिए, मेरा नाम और काम तो आप जानते ही हैं, वर्षों से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, अचार, चटनी, मुरब्बा से लेकर खटाई और अमचूर तक मुझसे बनते हैं, आप मुझे कच्चा खाते हैं, पका भी खाते हैं और सब्जी में डालकर भी खाते हैं, आप पर हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, मैं तासीर में जरूर गर्म हूँ, मतलब कि आम कैसा होता है, गर्म,
लिए बहुत ही फायदेमंद हूँ। मुझमें विटामिन, खनिज और अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो न आपको स्वस्थ रखते हैं बल्कि आप में ऊर्जा का संचार भी करते हैं। मुझमें विटामिन ए, सी और ई, अमरूद में क्या था, विटामिन सी, लेकिन संतरे की अपेक्षा चार गुना, लेकिन इसमें क्या क्या कौन कौन से विटामिन है, देखिए आम में ए भी है, सी भी है, ई भी है, के साथ साथ अंडरलाइन आप करते जाएंगे, है ना। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तांबा और फास्फोरस जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। मेरा नाम सुनते ही बच्चा हो या बूढ़ा सबके मुंह में पानी आ जाता है। मैं लोगों की लू से रक्षा करता हूँ। मेरा पन्ना पीकर लोग लू का उपचार करते हैं। गर्मी में लू लग जाती है ना, धूप लग जाती है, तो आपका पन्ना बना के पीते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है बॉक्स में, उत्तर भारत में मई जून महीने के दौरान चलने वाली प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। लू का डिटेल वर्णन किया गया है। इसकी चपेट में आए व्यक्ति के शरीर में नमक और पानी की कमी हो जाती है जिससे बुखार हो जाता है और शरीर में ऐठन होने लगती है। इससे अचानक व्यक्ति बेहोश हो जाता है और कभी कभी तो मौत भी हो जाती है। अब आगे देखिए, मैं आंखों को बहुत को मजबूत करता हूँ, स्मरण शक्ति बढ़ाता हूँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विस्तार करता हूँ और कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ने में सहायता करता हूँ। ऐसा किसने कहा, आम ने। तब जनता बोली, लेकिन श्रीमान आप चर्म रोग और पेट की बीमारियां भी तो बढ़ाते हैं, यानी आपसे चमड़ी का रोग और पेट की बीमारियां भी जाती है गर्म होने से, आप गर्म है इसलिए। तो आम क्या बोलता है, ये गलत आरोप है, इसमें कोई मेरा दोष नहीं है, कहा भी गया है अति सर्वत्र वर्जित, यानी कोई भी चीज को अगर हम ज्यादा खाएंगे तो वो नुकसान करेगा ही, अर्थात किसी भी चीज की अति हानिकारक, ज्यादा खाएंगे तो नुकसान होगा। वही बात मुझ पर भी लागू होती है, आप मुझे खाइए, मैं आपके लिए ही बना हूँ, लेकिन अति मत खाइए, ज्यादा मत खाइए, मैं आपको स्वस्थ, शांत और ऊर्जा बनाए रखूंगा। आशा है आप लोग मेरी महत्ता को समझ गए होंगे और मुझे अपना कीमती मत देकर विजय बनाएंगे, है ना। तो ये मतलब लोगों के माध्यम से फलों के माध्यम से ये जो चुनाव में लोग जो भाग लेते हैं उनके बारे में बताया गया। इस प्रकार सभी लोग अपना अपना मत प्रकट करते हैं, है ना। तो ये यहाँ तक हो गया। अब जो आगे का है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। और देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आपका लेवल टेस्ट 3 होने वाला है, तो वो 28 तारीख से होगा, तो उसमें आपके 3 चैप्टर आएंगे। सबसे पहले कविता गिरधर की कुंडलियां, सेकंड श्री मुक्तानंद जी से मिलिए और थर्ड मैरी कॉम फलादी मुक्ता। ये 3 चैप्टर आपके हो चुके हैं, तो इसे आप तैयार कीजिए। अगर हमारे पास टाइम होगा तो ट्यूजडे से हम रिविजन करा देंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।